हाय गाइस, इट्स मृदुला सरकार, योर लवेबल मृद्स. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं आपके साथ एक इंट्रोडक्शन पहले शेयर करने आई हूँ अबाउट एग, कि इसका कौन सा पार्ट आपको अपने स्किन पे लगाना है और कौन सा पार्ट अपने बालों में लगाना है. बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन है. मेरे पास बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया कि मैम, एग योक को या फिर एग वाइट को हम स्किन पे या बालों में कहाँ लगाएं. तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग योक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड एग वाइट इज़ जस्ट ट्रिमेंडसली वर्क फॉर योर हेयर्स. पर आप एग योक और एग वाइट को डायरेक्टली अपने स्किन या बालों में यूज़ ना करें. ये हो सकता है कि आपके बालों को ड्राई और फिजी कर दे, उसी तरह आपकी स्किन को भी फिजी कर दे. हर्बल प्रोडक्ट्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, या तो फिर एक बोल सकते हैं एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप इसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते. मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट को ही डायरेक्टली अपने स्किन पे या बालों में यूज़ कर रहे हैं तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता. बट अगर किसी चीज़ से आप मिला कर इसको लगा रहे हो तो वो डबल से ट्रिपल आपको असर देता है. तो इस चीज़ को लेकर मैं और दो वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग योक को आपको कैसे यूज़ करना है और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग वाइट को कैसे यूज़ करना है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए. तो फिलहाल तो मैंने आपका शायद ये डाउट क्लैरिफाई कर दिया कि एग योक इज़ गुड फॉर योर स्किन एंड एग वाइट इज़ गुड फॉर योर हेयर. कीप वॉचिंग फॉर माई नेक्स्ट टू वीडियोज़. थैंक यू सो मच.